बारिश आ रही, भीगो मत। अभी चोट ओट लग जाएगी, गिर जाओगे, फिसल जाओगे यार बरसात में जो आए तुम काम करने। हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सुबह के बज चुके हैं 11। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग और एक और नए दिन में। तो मौसम की बात करें तो आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है फिलहाल तो, और आसमान में एकदम गर्जना हो रही है बहुत देर से। ऐसा लग रहा है कि बरसात आएगी काफ़ी। ये तो अब आगे पता लगेगा कि बरसात कितनी आती है, लेकिन कल रात से मौसम बना हुआ है। जैसा कि 2-3 दिन पहले बहुत ही भयानक गर्मी पड़ रही थी तो थोड़ा सा राहत मिली है। कल रात से हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और फिलहाल तो बारिश शुरू हो चुकी है और गर्मी बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि धूप नहीं है तो गर्मी भी नहीं है। और ये इधर बैठा पड़ा है कैंडी, ये भी बाहर जाना चाह रहा है लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पा रहा है। और ये प्रियांशु बैठा हुआ है, बाल एकदम छोटे हो चुके हैं इसके भी मेरे भी, और मोबाइल में लगा पड़ा है ये। और कोको सोया हुआ है एकदम मस्ती से। मुझे जाना था मार्केट लेकिन बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है मौसम का कब खतरनाक बारिश आ जाए, आंधी या आंधी आ जाए। अभी तो हल्की फुल्की बूंदा आ रही है, बहुत ही हल्की हल्की, और अब धीरे धीरे जैसा कि बरसात का मौसम आ ही चुका है तो बारिश तो अब आनी ही है। आ रहे हैं पिताजी खेत से, ये इन्होंने इतना घास इकट्ठा कर लिया है सुबह सुबह। देखे भाऊ चलो घर चलो, अब बारिश आ गई, भीगो मत, छोड़ दो यहीं, छोड़ दो, प्रांश उठा लेगा, छोड़ दो। तो इनको थोड़ा सुनाई भी कम देता है तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। मशीन तो लगाते नहीं है, कान पर मशीन ला के रखी है। तो एक बार और कहता हूँ छोड़ दो, बारिश आ रही, भीगो मत, तबीयत खराब होगी। तो घर चलने को कह रहा हूँ तो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं क्या हो रहा है, ठंडा तो हो ही रहा है। तो अपने आप लगे रहते हैं, मान नहीं रहे। मौसम तो बढ़िया हो चुका है एकदम, लेकिन अगर अचानक धूप आ गई तो भाई साहब गर्मी भी इतनी खतरनाक पड़ेगी पूछो मत, और उसके बाद होगी उमस। अगर ऐसा ही मौसम बना रहे फिर तो बहुत बढ़िया है। अभी अचानक ही बड़ी बड़ी बूंदा आने लग गई है, लगता है कि बारिश होगी ही, और तो जाना पड़ेगा मुझे अंदर। तो देखते हैं एक बार रोड में जाके रोड का क्या नज़ारा है। तो देख सकते हैं रोड का कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही होगी रोड में। तो धान लगाने का समय है अभी जैसा कि, तो रोड पे ट्रैक्टर चलते हैं तो काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, अगर बरसात होगी तो सब धुलाई हो जाएगी। तो इस तरफ का रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है, और कोयल देखे बोल लिए कू कू, कितना प्यारा लग रहा है एकदम आवाज़ कोयल की। बहुत सी चिड़ियाएँ भी चहचाने लग गई है, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, सभी को राहत मिल गई है। 2-4 दिन से तो बहुत ही बिकट गर्मी थी, एकदम सारे पशु पक्षी इंसान सब फड़फड़ा रहे थे, कोई किधर भाग रहा, कोई छत में जा रहा, कोई बाहर बैठ रहा, कोई कहीं कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही थी। तो जब भी यहाँ गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो उसके कुछ दिनों के बाद बारिश ज़रूर आती है। ये जनाब कुर्सी में आराम फरमा रहे हैं, इनको जाना है बाहर सैर सपाटे पर लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पा रहे, तो इसलिए अभी ये कुर्सी में आराम से बैठ गए। नाश्ता पानी हो चुका है इनका, तो अब क्या चाहिए, घूमने को चाहिए हैं? आराम से बैठ नहीं सकते हो? बैठ नहीं सकता, आराम से बैठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। पता नहीं इंद्रदेव क्या आंख मिचोली खेल रहे हैं, तो कभी तो एकदम बंद हो जा रही है, कभी आसमान में एकदम भयंकर वाली गर्जना हो रही है, ऐसा लग रहा बहुत भयंकर बारिश आ जाएगी, फिर दूसरे ही पल उजाला उजाला हो जा रहा है। तो ना तो कोई काम
हो पा रहा है ऐसे में, ना कहीं जा पा रहे हैं। अभी मैं आ चुका हूँ घर के पीछे और ये है हमारा आड़ू का पेड़। तो इसमें बहुत सारे आड़ू लगे थे लेकिन धीरे धीरे प्रियांशु ने एक एक दो दो करके ख़त्म ही कर दें। अभी थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं क्योंकि ये जैसी बरसात शुरू हो जाती है तो पकना शुरू हो जाते हैं। एक आध बारिश बीच में हुई थी तो उससे हल्के फुल्के पकने शुरू हो गए थे, तो प्रियांशु ने वहीं से खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बच्चे हैं कहाँ मानते हैं। तो ये देख सकते हैं तो यहाँ चिमौड़ के छत्ते भी हैं, अगर उन पर हाथ लग गया तो हनुमान बना देंगे। तो मैं भी देखता हूँ एक हाथ तोड़ कर, कोई लग तो नीरा पका हुआ, अभी सारे कच्चे ही लग रहे हैं। तो अभी बरसात हो गई तो ये भी सब पक जाएंगे अब फटाफट। तो ये देख सकते हैं ज़्यादा बड़े तो हुए नहीं है, ये छोटे छोटे ही हुए हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा बड़े होते नहीं है पहाड़ों के, जैसे पहाड़ों में इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ ये मीडियम आकार के ही होते हैं। तो देखते हैं पकाया नहीं पकाया। ये देख सकते हैं हल्का हल्का इसके अंदर पक रहा है ये। तो अभी थोड़ा बरसात हो जाएगी तो और अच्छी तरह पक जाएगा, तो मैं लेता हूँ इसका आनंद, देखता हूँ कैसा स्वाद आ रहा है। ऊपर से बूंदाबांदी भी हो रही है और पिताजी ने यहाँ घास बना ही लिया है। यहीं रख दो इसको, टोकरा उठा लेंगे अभी, इसको यहीं रख देना, उठाओ मत। अरे यहीं रख दो, कोई बात नहीं मानेंगे, अभी चोट वोट लग जाएगी, गिर जाओगे फिसल जाओगे इधर। ले जाके ही मानेंगे। तो पिताजी से आप कितना भी मना कर दो, कुछ भी कह दो, लेकिन उन्हें करनी अपने मन की है। तो अभी मैं आ चुका हूँ छत पर क्योंकि अंदर काफ़ी गर्मी हो रही है और बाहर का मौसम एकदम सुहाना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान गरज रहा है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बारिश आएगी, लेकिन ये तो पता चलेगा आगे कि कितनी बारिश आती है या नहीं आती है। तो देख सकते हैं धान लगना शुरू हो चुका है, चारों तरफ से ट्रैक्टरों की आवाज़ आ रही है एकदम घर 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 की। तो एक आध महीने तक अब ऐसा ही रहेगा, चारों तरफ से ट्रैक्टरों की आवाज़ आती रहेगी और जब तक धान नहीं लग जाते तो थोड़ा सा शोरगुल हल्ला गुल्ला ट्रैक्टरों का लगा रहेगा। तो जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, वो उधर है तो नज़दीक में लेकिन कैमरे से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है, उधर पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो उधर धान लगाया जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा, उसमें कधेड़ की जा रही है, कहीं कहीं कधेड़ कहते हैं, कहीं कहीं रोपाई कहते हैं। तो उधर कधेड़ किया जा रहा है, रोपाई लगाई जा रही है और इधर जो हरियाली दिख रही है आपको, तो इसमें धान पहले ही लगा दिए हैं गेहूँ काट के तुरंत, तो इसमें बाल आने वाली है जो जस्ट आपको हरियाली दिख रही है, जो भौंक रहा है। देखते हैं कौन आ गया बाहर। अच्छा तो वो खंभे पर देख सकते हैं केबल वाले भैया आए हैं क्योंकि उनका केबल का जो बॉक्स होता है वो नीचे गिरा हुआ है, पिछली बार जब आंधी आई थी तो उसको ठीक कर रहे हैं वो, तो उन्हीं को देखकर भौंक रहा है। जब भी कोई घर के आसपास आता है अनजान आदमी तो ये भौंकना शुरू कर देता है। अरे वर्मा जी बरसात में जो आए तुम काम करने है, चेला कहाँ गया आज, चेला आ भी नहीं रहा तुम्हारा काफी दिनों से, क्या छुट्टी दे दी क्या उसको। अच्छा हाँ ये ठीक कर दो यार, काफी लटक रहा है नीचे कम। अच्छा अभी तो बरसात भी आ रही यार काफी। हाँ हाँ ये मैं भी यार कहने वाला था, मैंने कहा वो आएगा लड़का तो तुम्हारा, वो आया नहीं काफी दिनों से। हाँ बरसात का मौसम भी आ रहा ना, फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ 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 ठीक 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 ठीक। तो वो है केबल वाले भैया, तो वो कुछ तारा वारे लटकी हुई हैं, बॉक्स लटका हुआ है तो उसको सही कर रहे हैं। बारिश के इंतजार में शाम के बज चुके हैं 4, लेकिन
बरसात तो आई नहीं। पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोरदार बरसात आएगी, जिस तरह से आसमान में गरज चमक हो रही थी, लेकिन बरसात आई नहीं, खाली बूंदाबांदी हुई। देख सकते हैं अभी तो हल्की फुल्की धूप आ गई है, लेकिन आसमान में बादल लगे हुए हैं अभी भी हल्के फुल्के, हो सकता है रात तक आए। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। मैं सोच रहा था बारिश आएगी तो उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन बारिश आई नहीं। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।